जुड़वा भाइयों की जोड़ी ने रणजी ट्रॉफी में किया बड़ा कारनामा। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। रणजी ट्रॉफी जो कि भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है, इसमें एक बड़ा कारनामा देखने को मिला है। तमिलनाडु से खेलने वाले जुड़वा भाइयों बाबा इंद्रजीत और बाबा पराजित ने शतक लगाकर तमिलनाडु को मुसीबत से निकालते हुए टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया है। दोनों के बीच 206 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली। वहीं देश के लिए टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले करुण नायर ने 4 साल बाद कर्नाटक के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगाया। दूसरी तरफ श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टीम से बाहर किए गए चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जुड़वा भाइयों बाबा इंद्रजीत और बाबा अपराजित ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहले दिन शतक ठोककर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। इससे पहले इंद्रजीत ने सीजन के पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ भी शतक की पारी खेली थी और इस टूर्नामेंट का आगाज किया था। उनका ये लगातार दूसरा शतक है। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 116 रन बनाए थे, जबकि छत्तीसगढ़ के खिलाफ 141 गेंदों पर 127 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। दोनों भाइयों ने तमिलनाडु की पारी को 59 रन से आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 206 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली। अपराजित जहां 197 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलकर नाबाद हैं, वहीं तमिलनाडु का स्कोर पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 308 रन हो गया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 13 शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी करुण नायर का कर्नाटक की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक का वनवास 4 साल बाद खत्म हो गया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर ने ही भारत के लिए 13 शतक लगाया है। नायर जम्मू कश्मीर के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 152 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का खराब फॉर्म जारी है। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए खेल रहे पुजारा ने गुरुवार को ओडिशा के खिलाफ महज 8 रन बनाए। पुजारा सिर्फ 6 गेंदों का ही सामना कर सके। पुजारा ने 2 चौके लगाकर सकारात्मक शुरुआत भी की थी, लेकिन एक खराब शॉट ने उनका खेल खत्म कर दिया। वहीं सौराष्ट्र ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स के साथ।